सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। एक समबाहु षटभुज घन क्षेत्र अपने षटभुज आकार पर खड़ी है। उसकी एक भुजा XY के समानांतर है। उसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि भुजा 2 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हो। तो हमने सबसे पहले XY रेखा लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है X, ये है Y। तो हमने क्या करना है, बीच में इसमें 2 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। तो हम लगभग इसके बीच में लेंगे, जरूरी नहीं कि बीच में ही लेनी है, लगभग बीच में हम लेंगे इस तरह से। ये हमारी 2 सेंटीमीटर रेखा आ गई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 1-1 सेंटीमीटर के डॉटेड सीधे हमने लेने हैं यहाँ से इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये हमारी एक भुजा आ गई है षटभुज की। षटभुज का मतलब 6 भुज है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो पॉइंट आ गए हैं ए, और ये हमारा है एफ पॉइंट है। यहाँ से हमने 120 डिग्री के कोण बनाने हैं, क्योंकि जो हमारा षटभुज होता है उसका जो आंतरिक कोण है वो 120 डिग्री का होता है और बाह्य कोण इसका 60 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास सेट स्क्वायर है, इसका ये कोण 90 डिग्री का, ये 60 का और ये आपका 30 डिग्री का है। तो हम इसके सहायता से भी यहाँ पे एक एंगल बना सकते हैं। फिर हमें इधर को जो है इस तरह से हमने यहाँ पे अपना सेट स्क्वायर रखना है। तो थोड़ी सी मेरी लाइन जो है वो थोड़ी हल्की सी आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से। ये अब बहुत हल्की मैंने बढ़ाई है ताकि हमें मिटाने में बाद में दिक्कत ना आए इस तरह से। अब ये बाह्य कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, तो आंतरिक कोण इसका अपने आप ही फिर जो है वो 120 डिग्री का आ जाएगा। अब हम इसको 2 सेंटीमीटर काट देंगे। यहाँ से भी हमने जो है वो इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये आंतरिक कोण जो इसका है वो 120 डिग्री का आ जाएगा। ये आपका बाह्य कोण हम बना रहे हैं, ये आपका 60 डिग्री का है। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। हमने इसको यहाँ से काटना है 2 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ 2 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारा है ये हमारा बिल्कुल पूरा 2 सेंटीमीटर। थोड़ा हम इसको और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से भी फिर जो है वो 120 डिग्री के कोण बनाने हैं इस तरह से। तो हम यहाँ इस तरह से सेट के रखेंगे और यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर काट देंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ रहा है, और यहाँ से जो है हम इस तरह से ये हम इस तरह से 2 सेंटीमीटर यहाँ काटेंगे। तो यहाँ से हमने ये रेखा लेनी है, ये हमने रेखा लगा दी, और इसको भी हम जो है वो 2 सेंटीमीटर तक काट देंगे यहाँ से। ये आगे हमारा ये हमारा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे 2 सेंटीमीटर आ गया है इस तरह से। अब हम इसके बाकी नाम लिख देंगे, जैसे ये ए है, तो इसके बाद ये हमारा है बी, ये हमारा है सी, ये हमारा है डी, ई और एफ आ गया है। और हमने क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन पहले एक्स वाई तक लेने हैं। तो सबसे पहले हमने ए का ले रखा है, अब हम लेंगे बी का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से, और हम ये सारा काले डॉटेड करेंगे इस तरह से। अब हमने ए और सी जो है ये एक ही इसका प्रोजेक्शन आएगा इस तरह से। अब हमारा ये जो डी और एफ है इसका भी एक ही प्रोजेक्शन आना है हमारा इस तरह से। और हम अब प्रोजेक्शन लेंगे ई का, ई का भी हमारा यहाँ प्रोजेक्शन आ गया है इस तरह से। और अब हम इसके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा है बी और ये यति के साथ आएगा, ये हमारा ए और सी इकट्ठा है, ये सी है, ये हमारा डी है और एफ बी है, और ये हमारा है ई इस तरह से।
अब हमने क्या करना, इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से जो है वो 90 डिग्री पे हमने यहाँ से सेट कर रखना है इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से, और हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमने रेखा लगानी है इस तरह से 90 डिग्री पर सीधी बिल्कुल। और अब हमने यहाँ पे दूसरी रेखा लगानी है यहाँ से, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा डी है। इसमें सारी रेखाएं डार्क आएगी क्योंकि जो इसकी ए और एफ ये जो पॉइंट है ये पीछे है ढके हुए, पर इसी के साथ हमारा ई और सी और डी जो हमारे पॉइंट है ये डार्क आने हैं, तो ये इनके प्रोजेक्शन एक जैसे है साथ में आ रहे हैं, इसलिए ये सारी रेखा इसमें डार्क आएगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस तरह से, और हमने ऊपर से इसको मिला देना है यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। और अब हम ऊपर इसके नाम दे देते हैं, ये हमारा है बी, ये डबल ए टी के साथ है, ये सी है, ये आपका डी है, और ये हमारा है ई। इस तरह से ये आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया है, आपने भी इसी तरह से बनाना है। आपने बस एंगल का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ये बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण बन रहा ये 60 डिग्री का, ये आंतरिक कोण जो बन रहा ये हमारे 120 डिग्री का होता है। ये प्रश्न नंबर 7 है, इस तरह से आपने भी इसको अच्छे से बनाना।